हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज रावत लेके आया हूँ एक नई वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में 52 घड़ियाँ हैं, 52 घड़ियों में एक घड़ी बधान घड़ी। तो दोस्तों, घड़ी हम उस जगह कहते हैं जहाँ पूर्व में राजाओं के महल हुआ करते थे, राजा अपनी प्रजा पर शासन किया करते थे। वर्तमान में राजे रजवाड़े समाप्त होने के कारण वो महल अब खंडरों का रूप ले चुके हैं। तो आप देखिए मेरी इस वीडियो में बधान घड़ी के पूरे चित्रण और पूरे सार और पूरा व्याख्यान। ये हिमालय के सुंदर दृश्य, बर्फ से लदी हुई चोटियाँ, ये अद्भुत पत्थर हैं, इस पर कुछ कलाकृति। ये देखिए आप, कहा जाता है कि बधानगढ़ी में पूर्व में राजा रहता था, उनके सुरक्षा ले ले लगभग 9 या 12 जो है खंडक बना गए थे, मोर्चे बना गए थे। उन मोर्चों में पहला मोर्चा ये रहा। ये पहला मोर्चा, इधर को भी नाला और इधर को भी नाला, और यहाँ से एकदम स्ट्रेट चढ़ाई। ये अगला खंडक यानी डिफेंस मोर्चा नंबर 3। ये तीसरा मोर्चा खंडक पे पहुंचे हम, उसके बीचों बीच उसके दाएं साइड का नज़ारा, ये पूरा नीचे को नाला और बाएं साइड को ये पूरा नाला, सुरक्षा की दृष्टि से अति उत्तम। और हम आगे बढ़ते हुए, कहा जाता है कि 52 घड़ियों में एक घड़ी बधान घड़ी के आपको नरलब दुश्मन कराने जा रहा हूँ। चढ़ाई बहुत है, पर माता की कृपा से थकान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। सीढ़ियों का सिलसिला जारी। ये चौथा खंडक यानी डिफेंस मोर्चा, ये इसका लेफ्ट साइड और ये राइट साइड का खंडक। और यहाँ से फिर एकदम स्ट्रेट सीढ़ियाँ और सुंदरता प्रकृति का नज़ारा। अगला खंडक यानी डिफेंस मोर्चा नंबर 5, जिसकी दाएं ओर ये लंबी सुरंग जैसी और बाईं तरफ एकदम ढलान चट्टान। मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पत्थर शिला जिसको कटपुड़ी कहा जाता है। पुरुषों के अनुसार ये मान्यता है कि इस शिला पर हरा पत्ता डालने से या टहनी डालने से आदमी की मुराद और समय का सही उपयोग होता है, और समय पर आदमी माता के दर्शन करता है और घर पहुंचता है। ये मान्यता बुजुर्ग के अनुसार है। तो आप भी इसके दुर्लभ दर्शन कीजिए। और ये शिला बहुत ही महत्वपूर्ण कटपुड़ी के नाम से जानी जाती है। कटपुड़ी शिला एकदम माया के चरणों में और कैलाश के ठीक सामने, लगभग एकदम सीधाई में, और ये आप भी दुर्लभ और दिव्य दर्शन कीजिए। ये 7वां मोर्चा, ये दाएं साइड का दृश्य और ये एकदम बाएं साइड का एकदम नीचे चट्टान। अगर कोई गिरा तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन माया की ऐसी माया है कि कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक।
और ये अंतिम और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मोर्चा लगभग 50 फीट नीचे खाई गहरी खाई और ये सीढ़ियाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मेरा प्रतिबिंब दिख रहा तो कितनी गहरी खाई होगी। और उसी नवे खंदक का बृहद रूप और ये बिल्कुल चट्टान और ये देखिए आप सुंदर नजारा। और जो मैंने कहा उसको चरितार्थ करती हुई ये स्लोगन, माता के चरणों में जो जाए वह खाली हाथ ना आए, जय माता दी। माता के द्वार का दूसरा गेट, कुल मिलाकर यहाँ पर माता के द्वार तक पहुँचने में चार गेटों द्वारा गुजरना पड़ता है। और ये माता का द्वितीय द्वार अब हम बिल्कुल माँ के द्वार के समीप, ये माँ के द्वारपाल के रूप में भैरव बाबा और इधर ये चट्टान जिसको गरुड़ चट्टान के नाम से जाना जाता है, जिसका पुराणों में भी उल्लेख है। इस चट्टान के बारे में मैं अपने किसी अन्य ब्लॉग में आपको बताऊंगा दिखाऊंगा। फिलहाल मैया के चरणों में और ये मैया के द्वारपाल के रूप में बाबा भैरवनाथ। माँ बदावनगढ़ी यानी दक्षिणेश्वर काली मैया बावनगढ़ों में स्थित एक गढ़ में बावन पीठों में एक पीठ माँ बदावनगढ़ी सिद्धिपीठ। ये मैया का तीसरा गेट सुंदर नजारा बेलगम दृश्य जय माता दी।
ये बधान गाड़ी, अब आपको हम दिखाएंगे गाड़ी के पूरे खंडर और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर धन संपत्ति अपार खजाना भी जो है गड़ा हुआ है। 52 गाड़ियों में एक गाड़ी बधान गाड़ी, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि गाड़ी में क्या क्या अभी है। बच्चा सुंदर, बावन गाड़ियों में एक गाड़ी बधान गाड़ी से मैं आपको उसके चारों तरफ का जो है विहंगम दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देवाल घाटी और ये ग्वालदम का क्षेत्र पूरा, ये ग्वालदम ताल, ये बधानगढ़ी के खंडर अवशेष मात्र बचे हुए, जो गढ़ी थी उसके ये खंडर, जो राजा रहते थे उनके महलों के खंडर अवशेष हैं। और ये टावर व्यूज के लिए, ये खंडर अवशेष, ये सारे जो है खंडरों के अवशेष हैं जो अब झाड़ी और घास फूस से जो हैं बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि कहीं कोई अच्छा अवशेष मिले। और यहाँ हैं भोले शंकर और ये सरदार लोग आते हुए, लोगों की असीम श्रद्धा आध्यात्मिकता की ओर, सनातन धर्म की जय हो। बस मीन बनाना है जी जी। और ये सुंदर नज़ारा प्रकृति का, गड़ी में अब घास फूस कांटे पेड़ पौधे जम गए, जिसकी वजह से अब खंडरों का पता चल नहीं रहा, लेकिन फिर भी नज़दीकी से आप देखोगे तो आपको महसूस होगा कि आप पहले खंडर रहे होंगे, महल रहे होंगे, यानी सुंदर नज़ारा। ये दीवार का प्रतीक है, ये दीवार हमारी प्रतीक है, ये दीवार, ये महल की दीवार के पत्थर, खंडरों के पत्थर। और ये देखिए आप, समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पे खाली भीड़े भीड़े दीवार दिया, ये खंडरों के अवशेष, महलों के अवशेष। एक कहावत है ना, खंडर भी कभी महल हुआ करते थे, वो यहाँ बिल्कुल चरितार्थ होती है, छोटे छोटे खंडरों के अवशेष। और देखिए, और एक गांव का सुंदर नज़ारा, वो लास्ट पहाड़ी रानीखेत। और एक